जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों को, सभी अमीर गरीब को, सभी बूढ़े बुजुर्ग को, सभी बच्चे बच्चियों को, सभी जो है मनुष्य मात्र प्राणियों को, सबको मेरे सबके चरणों में सादर जय गुरुदेव। आज मैं गुरु की तलाश करने के बारे में बताना चाहूँगा कि गुरु की तलाश कैसे की जाए। सच्चाई तो ये है कि गुरु की तलाश हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है किसी जीव के अंदर कि वो गुरु की तलाश करे। जय गुरुदेव संगत, यह है मथुरा की धरती से, कृष्ण की पावन धरती से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने इस आध्यात्मिक सत्संग के धारा को बहाया। परम पूजनीय श्री घूरे लाल दादाजी गुरु ने जो है अपनी कृपा दृष्टि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ऊपर बरसाया और उनके बाद इन्होंने उनके कार्य क्षेत्र के पदभार को संभाला और जय गुरुदेव नाम की साधना किया और जय गुरुदेव नाम को पैदा किया। दादा गुरु राधा स्वामी गुरु नाम से जो है दीक्षित थे। उन्होंने शिवदयाल जी महाराज के राधा स्वामी संगत से वो दीक्षित थे। उन्होंने राधा स्वामी नाम का प्रचार किया, प्रसार किया और उसी राधा स्वामी संगत के इस नाम को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिया और गुरु जी महाराज दादा गुरु उस समय जिस समय अपने शरीर को छोड़ रहे थे गुरु महाराज से एक ही बात कहा कि बच्चे इस नाम को इस दुनिया में बांट देना और तुम इसी नाम की कमाई करना। और जब वो साधना किए गुरु दादा गुरु के जाने के बाद तब उन्होंने जय गुरुदेव नाम का जो है जहाज लगाया इस संसार में। परम संत स्वामी जी महाराज मथुरा को अपना कर्मस्थली बनाया और मथुरा में सभी पाप कर्मों को दहन करने का और बरकत बांटने का और दुनिया में इस भक्ति का और आध्यात्मिक ज्ञान का अपना परचम लहराया और जय गुरुदेव नाम साधना योग साधना मंदिर के नाम से निर्माण किया। दादा गुरु के पावन उनके स्मृत स्थल को बनवाया और जय गुरुदेव संगत को वहीं से बढ़ाया, वहीं से पनपाया, वहीं से पूरे विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया। परम संत गुरु जी महाराज के, जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर त्यागने के बाद नाना प्रकार के संगत में जो है लोगों ने अपने अपने मत का व्याख्यान करना शुरू किया, अपने अपने मत के अनुसार खींचातानी किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जय गुरुदेव संगत को। गुरु महाराज सत्संग में पहले कहा करते थे कि बच्चे अभी क्या देख रहे हो, आगे तो समय वो आ रहा है कि जब छटनी होगी। और छटनी किस तरह से होगी कि जो अपने हैं, जो सच्चे रास्ते पर चलने वाले, जो गुरु के भक्ति में लीन होने वाले, जो साधना करने वाले, जो भजन करने वाले, जो ध्यान करने वाले, जो सुमिरन करने वाले, गुरु के सच्चे बताए हुए रास्ते को पकड़ने वाले होंगे वही सिर्फ रह जाएंगे, बाकी सब अलग थलग हो जाएंगे और अपने अपने मत मतांतर को चलाएंगे। इसी विचारधारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विवेक। इसी पर कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं। ये वही लोग बरगलाए हुए हैं जिन्होंने गुरु महाराज के सत्संग के महत्व को नहीं समझा, वचनों के नहीं समझा। यह इसी पे कबीर दास जी भी कहते हैं कि जो है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव
और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यहाँ तात्पर्य क्या हुआ कि गुरु ने जो सत्संग दिया है, गुरु ने जो वचन दिया है, गुरु ने जो रास्ता बताया है, यही पुराणों के, यही वेदों के मंत्र भी कहते हैं कि क्या, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, यानी मंत्र का मूल ही गुरु का वाक्य है, जो गुरु कह दे वही मंत्र बन जाता है। अब उस चीज को लोग समझ नहीं पाए, सत्संग को तन मन से सुने नहीं, मन कहीं और था, तन सत्संग में बैठा था, तो ऐसे में विवेक आए तो आए कहाँ से, और जब विवेक नहीं आएगा तो गुरु की पहचान कैसे हो पाएगी, और जब विवेक आएगा नहीं तो गुरु के वचनों को मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सार जो गहना था, सार मतलब जो वजनी चीज जो था, जो अच्छी बातें थी, जो जिसको पकड़ना था, गुरु की भक्ति में जो लीन होना था, उसको छोड़ करके लोगों ने क्या किया, थोथा, थोथा यानी पहिया, तो जो पहिया था वो सारे के सारे सब बिखर गए, टूट गए, और जो असली तत्व था वो सूप की गूंद में रह गया। ठीक उसी प्रकार से जितने अच्छे सच्चे सत्संगी थे वो सब जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के पकड़े रह गए। बाप का घर तो बाप का घर होता है, गुरु का गुरुद्वारा तो गुरु का गुरुद्वारा होता है, वो कहीं इफ बट होने वाला नहीं, वो कहीं बदलने वाला नहीं। एक नहीं पचासों लाखों करोड़ों आश्रम बना लिए जाएं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, लेकिन मथुरा तो गुरुद्वारा ही रहेगा। गुरुद्वारा हमारा मथुरा में ही तो है, गुरु की कर्म असली तो है, गुरु महाराज के कण कण, एक एक इंच जमीन उनके पैरों से रौंदी गई है, वो पावन धरती मथुरा का परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज के कृपा और आशीर्वाद से एकदम ओतप्रोत है, अन्यत्र वो चीज मिलने वाली नहीं। गुरु महाराज की जो प्यारी गायें हैं वो आश्रम पर आज भी सुरक्षित और फर्स्ट क्लास सेवा और तंदुरुस्त बनी हुई हैं। उनके पूज्य उत्तराधिकारी महाराज श्रद्धे पंकज जी, वो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल करके संगत की संभाल कर रहे हैं, देश दुनिया में अपने गुरु नाम के जो है वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं। इसी तारतम्य में जो है महाराज जी अपने काफिले पर काफिले निकाल करके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हैं, और सामान्य जनजीवन में लोगों के उमंग भर रहे हैं, गुरु नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और नामदान दे रहे हैं, जीवों को सच्चे रास्ते पर लाने के लिए उनके अंदर की मैल को साफ करके उनको अच्छे रास्ते पर ला रहे हैं। इसी क्रम में 2023 मई 26 तारीख को आपके सहजनवा में महाराज जी का पावन कार्यक्रम दिन में होने जा रहा है। जिन सत्संगी भाई बहनों को महाराज जी के सत्संग को सुन करके लाभ उठाने हो, नामदान लेना हो, ऐसे लोग वहाँ पधारें और सत्संग का लाभ उठाएं, और जो गुरु के तलाश करने की बात कही गई है, कबीरदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, चलो गुरु की शरणिया जग वासना ता तोड़ के चलो, सतगुरु द्वारिया जग वासना ता तोड़ के, इस दुनिया से एक दिन भैया पड़ेगा सबको जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना नहीं, यहाँ पे रहेगा माता पिता से नाता जोड़ के, चलो सतगुरु द्वारिया जग वासना ता तोड़ के, चलो सतगुरु द्वारिया
जग वासनाता तोड़ के। क्या है इस माया के संसार, जो माया की छाया है, असली माया भी नहीं है, हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जो भी हमारे साथ जाएगा सच्चा प्रभु का भजन ही हमारे साथ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाने वाला है। किसको कहूँ मैं अपना, अपना नहीं है कोई। किसको कहूँ मैं अपना, अपना नहीं है कोई। समझा जिसे मैं अपना, समझा जिसे मैं अपना, आया न काम कोई। किसको कहूँ मैं अपना, अपना अपना, किसको कहूँ मैं अपना। अर्थात इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई साथ जाने वाला नहीं है, सिर्फ गुरु के बताए हुए रास्ते की साधना और भजन और ये सुमिरन, यही साथ जाने वाला है। गोस्वामी दास जी भी इसी बात को कहते हैं कि जो राम का सुमिरन है वही सब के साथ में जाने वाला है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। यहाँ इस युग में सतयुग त्रेता और द्वापर का पूजा पाठ नहीं हो सकता। इसके बारे में फिर अगले वीडियो में विस्तार से कुछ बताने की कोशिश किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ और यह गुरु की महिमा और गुरु की तलाश, सच बताऊँ मेरे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बता सकूं और कुछ कह सकूं। ये तो गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए वाणी हैं जिसको हम अपने टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से आप लोगों के बीच में, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में यदि आप इसको और आगे तक जानना चाहते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब ज़रूरत लगे तब ऑन करके देखिएगा। ये इंटरनेट की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था का लाभ उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय गुरुदेव।